करने जा रहा हूँ, तो प्लीज गेट रेडी फॉर दैट। ठीक है, यस, इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्या? क्या सभी को स्क्रीन दिख रहा है? भाई एकदम सन्नाटा ना रखे। ओके ठीक, तो अब देखिए आप नाम देख रहे होंगे, चैप्टर का नाम मैंने लिखा है कंप्लीट रिवीजन ऑफ द चैप्टर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैंने इसमें कहीं के क्वेश्चंस नहीं रखे, सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस के पिछले चार साल के क्वेश्चन से प्लस कुछ नीट के क्वेश्चन से। तो आपको एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक सवा घंटे के एक सेशन में यू कैन गेट अ बहुत अच्छा आपको एक रिविजन हो सकता है। देखिए, और इस सेशन में आपको तभी मजा आने वाला है जब आपने कुछ रिवीजन किया होगा, फॉर्मूले आपके जबान पे हो, कंसेप्ट आपके दिमाग में, तो ही आपको मजा आएगा। अदरवाइज आप इसको बोर होने वाले हैं और आप मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही है कि भाई जाहिर सी बात है सवा घंटे पूरे चैप्टर को रिवाइज करना, तो ऑफकोर्स इट हैज टू बी। और हमने आपको पिछले क्लास में इस बात को बता दिया था। ठीक है, तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले हैं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला है, रोलिंग मोशन का फॉर्मूला, प्योर रोलिंग, फॉरवर्ड स्लिप, बैकवर्ड स्लिप टाइप ऑफ रोलिंग, रोलिंग के दौरान फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है छह सात लेक्चर में। आज हम उसको पूरा एक बार में सॉल्व करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर? कि जब ने टॉर्क जीरो होता है तो आई वन ओमेगा वन प्लस आई इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, ये सारी चीजें आई होप आपने रिवाइज किया होगा। तो आई होप आपने रिवाइज करके आए होंगे। बोलो ना भाई, ये क्या पूछ लिया सर आपने? अरे झूठ का ही बोल दो ताकि हम आगे बढ़े एनर्जी के साथ। हाँ जी बताओ यार। यस सर। ओके ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पे मैं पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसको करिए, सॉल्व करिए। आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। मुझे पता है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट एक्टिवली, और मुझे मेजोरिटी से ही मतलब है, अगर एक दो स्टूडेंट नहीं पार्टिसिपेट करे तो उनकी मर्जी। ठीक है, तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये कह रहा है रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना या गायरेशन, बहुत से लोग गायरेशन पढ़ते हैं, ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट एल बाय फोर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, जितनी भी चीजें आ गई आपके दिमाग में सारा फॉर्मूला आना चाहिए कि सर इंड के अबाउट क्या होता है, मिड पॉइंट के अबाउट क्या होता है, और किसके अबाउट होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। चलिए तो मैच करिए आपका। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जेई मेंस 2021 से 19 तक, तो तीन चार सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 19 20 21 सॉरी तीन सालों में, उन्हीं का कलेक्शन है नीचे आने वाले स्लाइड्स में। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप एम के स्क्वायर के बराबर कर देते हैं, यू गेट द आंसर। ओके, वन स्टूडेंट हैज गिवन द आंसर एंड आई होप it seems he is correct. Okay, great. Very good, very good. सभी का answer same आ रहा है। Actively participate करें। आप चाहें तो ना साथ, बेटा देखो साथ, वैसे तो मैं PDF upload कर देता हूँ, फिर भी आप चाहें तो साथ के साथ आप इसका screenshot ले सकते हैं। तो very good. Most of the students 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 students ने answer दिया है और I hope answer सही है क्योंकि सभी का answer same आ रहा है। और लोग answer दे भाई, very good. अर्पणा ने भी answer दे दिया। वेरी गुड, तो देखिए कि ये रहा मैंने बनाया यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंड के अबाउट कितना होता है भाई, जल्दी बोल दो। इंड के अबाउट कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाई थ्री। मिड पॉइंट के अबाउट कितना होगा? एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। आपसे कह रहा है कि एक ऐसा एक्सिस चूज करो जो एल बाई फोर है फ्रॉम द सेंटर, एल बाई फोर फ्रॉम द सेंटर, ये एल बाई फोर, ये आईसीएम। तो आईसीएम मुझे पता है कितना होता है यूनिफॉर्म रॉड का, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, और इसके अबाउट निकालना। तो कौन सा थ्योरम लगाया भाई? एक्सिस दोनों पैरेलल है, विच थ्योरम आई नीड टू अप्लाई? कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्शन। तो पैरेलल एक्शन थ्योरम, आई इज इक्वल टू आईसीएम प्लस टोटल मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस का स्क्वायर, जो कि एल बाई फोर है। तो आईसीएम मुझे मिल गया एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम एल स्क्वायर बाई सिक्सटीन, नीचे आ गया 12, 16 का एलसीएम का ले लें 48, 48 ले सकता हूं मैं, ठीक है, नीचे आ गया 48, तो 12 फोर टाइम्स, 16 थ्री टाइम्स, आई एम गेटिंग 7 एम एल स्क्वायर अपॉन 48, ये आ गया आई। अब पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आई को हम टोटल मास इनटू के स्क्वायर, तो एम के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 एम एल स्क्वायर बाई 48, तो एम से एम कैंसिल होगा, एम से एम कैंसिल होगा, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई,
तो दिस विल गिव मी के इज इक्वल टू अंडर रूट करेंगे तो एल स्क्वायर बाहर आ गया. वेरी गुड, 7/√48. अंडर रूट 7/48 विल बी द आंसर. √7/48 एल इज द आंसर. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, इसी तरह आपको कोई और एक्सिस देगा तो पहले आई निकालिए, आई को एम के स्क्वायर के बराबर रखिए, के की वैल्यू रेडियस ऑफ जायरेशन. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. चलिए इसको बाद में करते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम. चलिए ट्राई टू दूसरी. अब देखिए ये प्रॉब्लम पूछा गया है नीट में, ये नीट का प्रॉब्लम है. द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन इंक्लाइन विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग बोलते हैं जिसको, और स्लिपिंग डाउन इंक्लाइन विदाउट रोलिंग, यानी विदाउट रोलिंग मतलब स्लाइड करना, स्लाइडिंग मोशन है. विदाउट रोलिंग का मतलब स्लाइड कर रहा है, एक बार रोल कर रहा है. तो कह रहा है रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों केसेस में. अब आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि जब रोलिंग होता है प्योर रोलिंग ऑन एनी इंक्लाइन तो बहुत सारे पैरामीटर्स की वैल्यू निकलवाई थी मैंने, और उसमें से मैंने बताया था SDHR, कुछ फॉर्मूले बताए थे. बताओ बेटा व्हाट यू आर गेटिंग. ठीक है, एक आंसर आ रहा है. ओके, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और स्लिपिंग विदाउट रोलिंग. स्लिपिंग विदाउट रोलिंग का मतलब स्लाइड कर रहा है, खसक रहा है, मतलब कि रोल घूम नहीं रहा है तो स्लाइड कर रहा है. देर इज नो रोलिंग मोशन, देर इज नो अल्फा, अल्फा नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है. ओके, दो आंसर आ रहे मेरे पास. भाई बताओ क्या होता है फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला. बेटा यार ये क्वेश्चन तो मुझे लगा था आप लोग 30 सेकंड्स में निकाल के उड़ा दोगे इस प्रॉब्लम को. रोलिंग मोशन के प्रॉब्लम में क्या क्या होता है भाई, जल्दी रिकॉल करो, जल्दी रिकॉल करो फटाफट, क्या फॉर्मूला था. अगर नहीं याद है तो जल्दी से पेजेस पलट के देखो जहां पे मैंने पढ़ाया था, या आपने खुद से पढ़ा होगा. ओके ओके, हाँ वेरी गुड. जय में A = g sin θ / 1 + i / mr², उसको जिसको हम k² / r² भी लिख सकते हैं. वेरी गुड, तो वन आंसर आ रहा है. तो बेसिकली आपने देखा होगा, और अगर स्लाइड कर रहा है तो सिर्फ g sin θ. अगर इस ब्लॉक के बीडी बनाओ तो नीचे से लग रहा है mg sin θ, वेट का कंपोनेंट, और ये घूम, ये इसका एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, प्लस ये घूम रहा है तो घूमने वजह से अल्फा हो गया, और ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन लग रहा है जो कि टॉर्क देगा. तो आप दो इक्वेशन लिखते हैं बेटा, एक लिखते हैं क्या आप mg sin θ - f, एक फोर्थ इक्वेशन लिखते हैं mg sin θ - f = ma, और एक टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं torque = i alpha, यानी फोर्स इंटू रेडियस इज इक्वल टू आई अल्फा, और एक तीसरा इक्वेशन लिखते हैं alpha = a/r. याद आ रहा है क्या, यही तीन इक्वेशन बोलो भाई, याद आ रहा है. इन्हीं तीनों को कंबाइन करने के बाद मेरे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी वो आई थी g sin θ / 1 + i / mr², जिसको हम k² / r² लिख सकते हैं. फिर यहां से हमने देखा था कि k² / r² जितना लेस होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा. याद आ रहा है, नहीं बोलो भाई सभी लोग, कुछ तो बोल दो. यस सर. ठीक है, केस जितना कम केस कर. अच्छा, उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकलवाई गई थी. फ्रिक्शन की वैल्यू कितना आई थी, mg sin θ / 1 + उल्टा कर दिया था हमने, r² / k². फ्रिक्शन की वैल्यू में mg sin θ / 1 + r² / k² होता है, याद रखिएगा. तो अब मुझे कह रहा है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो पहला केस कह रहा है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो पहले वाले को a1 मान लेता हूं. तो ये मिल गया मुझे g sin θ / 1 + k² / r² सॉलिड स्फीयर का k/r कितना हो गया 2/5, तो आई गॉट 5/7 g sin θ. ये आ गया रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का, प्योर रोलिंग का. अब जब स्लाइडिंग होता है तो आपको पता स्लाइड होता है तो सिर्फ g sin θ होता है. अगर आप स्लाइडिंग मोशन देखें एक इंक्लाइन प्लेन पे तो इट इज ओनली वन अल्फा तो होगा नहीं, तो इट विल बी सिंपली g sin θ, इट विल बी सिंपली g sin θ. दिस इज द आंसर. तो अब आप यहां से देखिए कि दोनों का रेशियो लेंगे तो g sin θ कैंसिल, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, विच ऑप्शन इज मैचिंग. ओके, फर्स्ट वन, तो a1/a2 लेंगे तो यू विल गेट हाउ मच, 5/7 विल बी द आंसर. 5/7 इज द आंसर. ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं.
तो रोलिंग अपॉन स्लाइडिंग का आंसर हो गया 5/7। अब देखो ये एक प्रॉब्लम आ गया, ये जेई मेंस 2021 में पूछा हुआ है रोलिंग के ऊपर, देख के जल्दी बताओ आंसर फटाफट पढ़िए। सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस ए एम मास एम रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग, यानी प्योर रोलिंग, विदाउट स्लिपिंग बोल दे तो मतलब प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब, प्योर रोलिंग से क्या समझते हैं, प्योर रोलिंग होने की कंडीशन क्या है, वी सी एम इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये होता है प्योर रोलिंग का कंडीशन। ऑन एन इंक्लाइन प्लेन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क विल बी दिस, तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, फटाफट आंसर बताया। वेरी गुड का, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या आएगा भाई, सॉलिड डिस्क की बात कर रहा है, तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो इंक्लिनेशन होता है उस पर रोल करता है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1+k²r², ये प्योर रोलिंग का फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 1+k²r². और सॉलिड डिस्क का k²r² कितना होता है बेटा, सॉलिड डिस्क का k²r² 1/2। वेरी गुड, तो ये सॉलिड डिस्क का हमने रख दिया a is equal to g sin theta divided by, अब देखिए आपके सारे j मेंस के प्रॉब्लम थे, तो 2 ऊपर गया नीचे आ गया 3, 2/3 g sin theta, ये आ गया एक्सेलरेशन, तो 2/b की वैल्यू कितनी होगी 3, बस ये आंसर था, इतना छोटा प्रॉब्लम आपसे 2021 में पूछा है। ठीक है आगे बढ़े, यस सर, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, अब देखो ये एक प्रॉब्लम है उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, ये भी 2019 से 2020 के 21 के प्रॉब्लम का मैंने कलेक्शन, जेई मेंस का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स को भी अप्लाई करवा रहा है। स्फीयर ऑफ मास 2 kg है, रेडियस दिस इज रोलिंग, जब स्फीयर बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा तो आप सॉलिड स्फीयर मानेंगे, याद रखिएगा, व्हेन इट इज सेइंग नथिंग यू विल अज्यूम अ सॉलिड स्फीयर, यू विल अज्यूम, अगर कुछ नहीं बोला है तो सॉलिड स्फीयर अज्यूम करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि कितनी देर बाद, हाउ विल लॉन्ग विल द स्फीयर टेक टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे प्रॉब्लम हम काइनेमेटिक्स में भी करते हैं, जब हम किसी ब्लॉक को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पूछता है कितनी देर बाद वापस आएगा, नीट का प्रॉब्लम भी पूछा था मुझे याद आ गया 2019 में कि कितना, अगर एक ब्लॉक को हम जब ऐसे फेंकते थे कि ब्लॉक जाएगा फिर वहां रुकेगा, रुकने के बाद वो नीचे आएगा, ठीक है, कभी बोलता था फ्रिक्शनलेस है, अगर फ्रिक्शनलेस होता था तो ऊपर वाले जाने वाला भी जी साइन थीटा, नीचे आने वाला भी जी साइन थीटा, अगर फ्रिक्शन होता था तो उसमें आप कैलकुलेट करते तो ऊपर जाने में फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, सब कुछ आप देखते थे ना, व्हाट इज द फॉर्मूला, जी साइन थीटा अपॉन 1+c, वेरी गुड, जेई मेंस अल्टीमेट गोल, और सी की वैल्यू आप सॉलिड स्फीयर के लिए रख सकते हैं 2/5, तो सबसे पहले तो आपने एक स्फीयर था ये, तो उसका ए निकाला होगा, ए निकाला होगा भैया, कितने ए से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, और फिर उस ए के हिसाब से कह रहा हाउ ये यहाँ जाएगा, और जाते जाते क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से नीचे एक वेट, सॉरी नीचे फोर्स लग रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा, रुक जाएगा यहाँ पर, रेस्ट पाएगा, और पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो कह रहा हाउ लॉन्ग विल इट द स्फीयर टेक टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से ये आप इसको इसी तरह समझ सकते हैं जैसे आप एक बॉल ऊपर फेंकते थे तो बॉल ऊपर जाता था और नीचे आता था, तो
आपसे पूछा था कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट या ऊपर जाके नीचे आने, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जी होती थी, वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और रखेंगे। तो ऐसे केस में क्या आंसर आ रहा है? चलिए, मैंने हिंट दे दिया, बहुत ज्यादा कम हिंट देना चाहिए था। ओके, मुझे आंसर मिल रहा है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है अक्षिका, बहुत अच्छा यार, आज आप लोग की परफॉर्मेंस खुश करने लायक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, जब ये ऊपर जाता था a इज इक्वल टू माइनस जी से, तो ऊपर जाने का टाइम होता था यू बाई जी, नीचे आने का टाइम भी होता था यू बाई जी, तो दोनों का टोटल टाइम मिलाते थे तो क्या हो जाता, टू यू बाई जी होता था, यही आता था फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब जी है, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर जाने का और नीचे आने का, क्योंकि सिमेट्रिक सिस्टम है, जो एक्सेलरेशन जाते वक्त लग रहा है वही एक्सेलरेशन वापस आते वक्त लग रहा है, बस उल्टा हो जाएगा। फाइन, मैं बात सही बोल रहा हूँ क्या? ओके, एक केस में वेलोसिटी घटेगी, दूसरे केस में वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। व्हाट इज द एक्सेलरेशन हियर? ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए आप रख देंगे कितना भाई, वन अपॉन वन प्लस टू बाई फाइव, so it will become 5 by 7 g sin theta. sin theta कितना हो गया, 30 sin 30, 1 by 2, तो 5 by 7, g की जगह 10, sin 30 की जगह 1 by 2, so I am getting something 25 by 7, 5 से 5 का, तो 25 by 7 meter per second square is the acceleration. तो मुझे जो answer मिल जाएगा ऊपर जाके नीचे आने का, time will be equal to 2, कितनी speed से फेंका गया भाई, 1 से, 2u by g लगाना है, तो मुझे लगेगा यहाँ पे टाइम 2u by a, 2u की जगह a और a की जगह 25 by 7, 7 ऊपर आ गया तो 7 into 2 upon 25, तो 14 upon 25, ओके कितना आ जाएगा भाई, 14 upon 25 डिवाइड करेंगे तो कम समथिंग कितना आएगा भाई, हाउ मच, 0.57 के करीब आ रहा है क्या? Yes, sir. इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट समथिंग 0.57 के बाद, तो 14 by 25 इज द करेक्ट आंसर। और हमारे पास जो टाइम आएगा ऊपर जाके नीचे आने का 14 upon 25, which is going to give me 0.57 सेकंड। इसी तरह आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट की बात करेगा तो मैक्सिमम हाइट दो तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी को टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर देंगे। वहां से आपको मैक्सिमम हाइट भी क्वेश्चन ने पूछा है, याद है ना, ऐसे क्वेश्चन भी किया, ऐसे प्रॉब्लम्स भी आपने किया होगा जिसमें मैक्सिमम हाइट पूछता है। तो मैक्सिमम हाइट में टोटल काइनेटिक एनर्जी रख देंगे वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर दिया टोटल पोटेंशियल एनर्जी में एमजेड, यहाँ से आप टोटल हाइट भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ा हूँ। ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या सभी को? Yes, आगे बढ़ सकते हैं, तो टी यू बाई जी, ठीक है। अब देखिए, ये एक प्रॉब्लम है, इसको एफबीडी बनाने के सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करिए। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम A solid cylinder of mass m is wrapped with an inextensible string. अब इसमें आपको पूरी FBD बनानी होगी। जब मैं FBD बनाता था, टेंशन का, फ्रिक्शन का, फिर एक बार टॉर्क इक्वेशन, एक बार फोर्स इक्वेशन, फिर a is equal to alpha r, इस तरह की कुछ चीजें करते तब जाके आपको मिल पाएगा। ओके, प्रकुल का आ रहा आंसर mg upon 5 आ रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दे रखा है, इट हैज बीन गिवन, यहां पे म्यू की वैल्यू 0.4 दे रखी है, वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही। जरा आप प्रकुल, आप मुझे थोड़ा सा, जब तक और लोग सॉल्व कर रहे हैं आप तब से हिंट दे सकते हैं कैसे आपने सॉल्व किया।
बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या अप्रोच लगाया था? एम जी स्क्वायर रूट 3/6, ठीक है। अच्छा, अगर ये सॉलिड सिलेंडर के बजाय मान लो हॉलो सिलेंडर होता तो आंसर क्या आता? दोनों आंसर बताइए मुझे, सॉलिड सिलेंडर के साथ करूं तो क्या आएगा और हॉलो के साथ करूंगा तो क्या आएगा? जो लोग मुझे आंसर दे चुके हैं वो दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ जाएं, जैसे प्रकुल का आंसर आ चुका है, जेई मेंस अल्टीमेट गोल का आ चुका है, तो इसी तरह आप जरा मुझे ये बताएं। देखो खुद सॉल्व करो ईमानदारी से, ढंग से, पूरा ए टू जेड। टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, आपकी लर्निंग होनी है। यहाँ पे कोई आपको देखने रहा, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है आपको। इट्स योर लर्निंग एंड इट्स योर रिवीजन, आपकी लर्निंग और आपका रिवीजन है। यस प्रकुल, आप और जेई मेंस और काव्य, जो तीन चार लोगों ने आंसर दे दिया, वो जरा हॉलो सिलेंडर के लिए सेम प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएं क्या आ रहा है आंसर। इसके एफबीडी बनाइए, सभी लोग एफबीडी बनाइए। अच्छा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग एफबीडी बनाइए, एफबीडी में तीन फोर्सेस दिख रहे होंगे आपको, नीचे एमजी साइन थीटा, ऊपर टेंशन, और फ्रिक्शन को ऊपर मान लीजिए। फोर, अच्छा 4/6 स्क्वायर रूट से, अच्छा 4, ठीक है मैं समझ गया। चलिए वो आपका आंसर, लेकिन आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, कुछ भी आप बताएं, स्क्वायर रूट का कुछ भी बताएं, एक बार आप फिर से देखिए कितना फ्रिक्शनल फोर्स इसमें ऐड कर रहा होगा। अब देखिए एक बात इसमें ध्यान देने की, मैं आपको हेल्प कर दूं कि इसमें कहीं भी ये नहीं बोला है कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, इट्स नॉट मेंशन। बस ये बोल रहा है कि प्लेस है, रखा है, रखने के बाद वो मूव करना शुरू करेगा। तब आप ये आपका डिसीजन है, आप बताएंगे कि सर प्योर रोलिंग होगी कि नहीं होगी। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है, वो गिवन कंडीशन के हिसाब से, इट इज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। यानी कि प्योर रोलिंग तब होगी जितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है उतना वहां पे अवेलेबल हो, तभी प्योर रोलिंग होगी। तो ये हिंट दे रहा हूं, पहले आप चेक करिए जितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है प्योर रोलिंग के हिसाब से उतना आपके पास फ्रिक्शन अवेलेबल होना चाहिए। ओके 2 mg/5 आ रहा है अगर हॉलो कर देते हैं। प्रकुल आपका नहीं आया जल्दी से आपका, तो भाई आपने तो सबसे पहले आंसर दिया था। हाँ भैया, बाकी लोग एकदम सन्नाटा है, बीडी वगैरह नहीं बन पा रहा है क्या? चलिए मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, चलिए आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करिए, एक मिनट और देते हैं, एक डेढ़ मिनट। ओके आई एम गिविंग वन मोर मिनट, ट्राई इट, क्योंकि सिर्फ तीन ही लोग का आंसर आया इसमें। एक और आंसर आ गया, हेमंत। हेमंत किसका बता रहे, सॉलिड वाले का बता रहे ना? यस सर। ओके ठीक है, हॉलो का करके देखिए जरा, एक मिनट का टाइम और दे रखा मैंने, 30 हो रहा, 31 पे बात करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट देना शुरू करता हूँ आपको इस प्रॉब्लम में, कि अगर इस ब्लॉक के एफबीडी बनाए तो मैं ये देखूंगा कि इस सिलेंडर के ऊपर एक तो यहाँ रस्सी से टेंशन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा एमजी साइन थीटा, जिसको मैं एमजी रूट 3/2 या एमजी साइन 60 लिख सकता हूँ। नीचे की तरफ लग रहा होगा एमजी कॉस थीटा, कॉस 60, और ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, और फ्रिक्शन लगा लिया मैंने ऊपर की तरफ फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होता है, तो पहले मैं चेक करूं कि क्या कंडीशन हो रही है, व्हाट कंडीशन इज गोइंग ऑन है। तो अब देखिए अगर मैं ये मान के चलूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि लेट अस अज्यूम द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सॉलिड सिलेंडर रैप है,
तो अगर हम ये मान के चले कि इक्विलिब्रियम है, लेट मी से इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्योंकि ऊपर दो फोर्सेस है तो क्या होगा, T प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी साइन 60। अगर हम ये मान ले कि इक्विलिब्रियम है सिस्टम, क्योंकि ऊपर टेंशन नीचे फ्रिक्शन है, देखते हैं रोल करता है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक रोल कर पाएगा कि नहीं। ओके वेरी गुड मानसी, आपका भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब अच्छा टॉर्क का क्या होगा, अगर मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क ले लूं तो टेंशन इसको ऐसे घुमाएगा और फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमाएगा। इक्विलिब्रियम में अगर रखना चाहते हैं तो टेंशन और फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो। आई कैन से द टॉर्क ऑफ द टेंशन इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन। अभी मैंने इक्विलिब्रियम मान रखा है, मतलब ए भी जीरो और अल्फा भी क्या मान रखा है, जीरो। पहले चेक कर ले कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, उसके बाद डिसाइड करें। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जी क्या कह रहे हैं, सॉरी सेकंड इक्वेशन कैसे लिखा मैंने, देखिए नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। अब नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए तो जितने फोर्सेस थी इसमें मेरे पास पांच फोर्सेस हैं, देयर आर फाइव फोर्सेस इन दिस, टेंशन फ्रिक्शन नॉर्मल एमजी और एमजी कॉस थीटा। अगर मैं ओ के अबाउट ले लूं अपना टॉर्क अबाउट ओ, तो देखिए एमजी साइन 60 तो एक्सिस से पास हो गया, टॉर्क जीरो होगा। एमजी कॉस 60 का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, नॉर्मल का भी टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तीन फोर्सेस का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि एक्सिस से पास हो गए। बोलो यस और नो, ठीक है। अब टॉर्क बचा टेंशन, तो टी का क्या होगा, टी अराउंड इज टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये रहा आर रेडियस, तो टी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आर, तो ये कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। इसी तरह अगर मैं फ्रिक्शन को देखूं तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है और ये रहा इसका एक्सिस और ये रहा आर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फोर्स का एक्सिस से, आर। तो दोनों केस में आर है, तो टी इंटू आर और टी इंटू आर, और दोनों इक्वल अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि मैं मान रहा हूं इक्विलिब्रियम में, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा हूं ये बात, यस सर। और नॉर्मल का और एमजी साइन थीटा का और एमजी कॉस थीटा का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। अब आर से आर क्या हुआ, कैंसिल, तो मुझे मिल गया टी इक्वल टू एफ। अब टी इक्वल टू एफ जरा इसमें रख दो, तो अगर टी इक्वल टू एफ रखूंगा तो ये बन जाएगा टू एफ इज इक्वल टू एमजी साइन 60। तो फ्रिक्शन कितना मिल गया, एमजी साइन 60 बाय 2। अगर हम ये माने कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो mg sin 60 लग रहा है, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो मुझे मिल गया √3/4 mg। ये आ गया मेरे पास फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमारे पास ये फ्रिक्शन होना चाहिए। अब जरा चेक करते हैं, तो आप दिस इज द फ्रिक्शन विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब अगर मैं आपका दूसरा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विच इज अलाउड, एफ मैक्स कितना होगा इसमें, जिसको लिमिटिंग म्यू एन, और एन किसके बराबर होगा, एमजी कॉस 60 के बराबर, तो म्यू हो गया 0.4 और ये आ गया एमजी कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 0.4 अपॉन 2 इंटू एमजी, कितना मिल गया मुझे 0.2 एमजी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अलाउड है वो क्या हो गया मेरे पास भाई, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0.2 एमजी है, और यहां से कितना आ रहा है, √3/√3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.7 अपॉन 4 एमजी, तो 1.4, तो ये आ रहा है लगभग 0.4 एमजी। अब देखिए जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो कितना, अगर हम चाहते हैं कि मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, रोटेट ना करे, मूव ना करे, तो हाउ मच शुड बी द फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए, 0.4 एमजी। लेकिन हमने देखा कि जो फ्रिक्शन मैक्सिमम मिल सकता है इन दिस सिस्टम इज 0.2 एमजी, तो इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम एफ मैक्स के बराबर होगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, 0.4 एमजी या 0.2 एमजी, व्हाट शुड बी द आंसर, फ्रिक्शन कितना लगाया, 0.4 या 0.7, सॉरी 0.2, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू एफ मैक्स के बराबर होगी, एफ मैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जैसे आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन आता था ना कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक का म्यू दे रखा है 0.2, मास दे रखा है 10 kg, ठीक है, और मैंने लगा दिया 50 N का फोर्स, तो टेल मी व्हाट विल बी द फ्रिक्शन एक्टिंग। तो आप यहां से एफ मैक्स निकालते हैं, एफ मैक्स कितना होगा, म्यू एन एन की वैल्यू 10g/100, आपने निकाला 20 N, तो 20 N का आपने एफ मैक्स है, फोर्स कितना लगा रहे, 50 N, यानी आपका अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम से वैल्यू से ज्यादा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू एफ मैक्स के बराबर होगी। और अगर आप इसी प्रॉब्लम में 10 N का फोर्स लगा देते हैं तो 10 N के हिसाब से एफ मैक्स कितना आ रहा है भाई, 20 N, तो व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स व्हेन द फोर्स इज 10 N, तो इस केस में तो फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा होगा, मैक्सिमम के बराबर, क्योंकि आपका जो अप्लाइड फोर्स है मैक्सिमम से ज्यादा है, स्लाइड कर जाएगा। इस केस में क्या लग रहा होगा भाई, व्हाट इज दिस, इन दिस केस इट इज स्लाइडिंग, इट इज सॉरी म्यू, अब आपके पास इसमें 10 N लगा रहे हैं, एफ मैक्स से कम लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 10 N।
इसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये वाला प्रॉब्लम भी है कि आपने देखा कि अगर हम माने कि इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू तो 0.4 mg चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितना है 0.2 mg, तो ये फ्रिक्शन विल बी हाउ मच, फ्रिक्शन कितना होगा आपके पास 0.2 mg आ रहा है, 0.2 mg मतलब 2/10 व्हिच वी आई कैन आंसर एज mg / 5 इज द आंसर, mg / 5। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। mg / 5 या 0.2 mg इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े क्या सर? हॉलो सिलेंडर लेंगे तो अच्छा, हाँ हॉलो सिलेंडर होगा तो क्या होगा भाई? हाँ बिल्कुल सही, हॉलो सिलेंडर लोगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही, सॉलिड के लिए तो ये आ गया, हॉलो लेंगे तो क्या आएगा सोच के बताइए, हॉलो लेंगे तो क्या आएगा? मास सेम है और सब कुछ सेम है, व्हाट विल बी द आंसर? बोलो भाई हॉलो के लिए क्या आएगा? हॉलो के लिए सेम ही तो है भाई, अगर हॉलो सिलेंडर का एफबीडी बनाएंगे तो कुछ चेंज होगा क्या? नथिंग विल चेंज भाई, अगर रोलिंग होना शुरू होगी तब आप हॉलो और सॉलिड को कंसीडर करेंगे, अभी तो वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, जितनी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम से ज्यादा है, इसका मतलब इस केस में प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगी, नो प्योर रोलिंग क्योंकि जितनी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट हो रही है दैट इज इक्वल टू हाउ मच मोर देन द एफ मैक्स, तो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो दोनों केस में आंसर कितना आएगा? 0.2 mg ही आएगा। बात समझ में आई क्या सभी को? हाँ, जब प्योर रोलिंग करना शुरू कर देगा उस केस में आप देखेंगे then this problem will become something like that, mg sin theta upon 1 plus r square by k square। ठीक है, तो हॉलो में भी कितना आएगा? 0.2 mg ही आएगा। मैं मूव ऑन, आगे बढ़ सकता हूँ क्या? यस सर। ठीक है, चलिए अब देखिए ये रहा प्रॉब्लम एक, इसको करते सॉरी ये वाला प्रॉब्लम करें, ये ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एक काफी लंबा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होगा बट थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व है। ईमानदारी से बिल्कुल सटीक तरीके से इंफॉर्मेशन नोट करते हुए धीरे धीरे प्रोसीड करिए, और मैं देख रहा हूँ कितनी देर में आप इसको सॉल्व कर पा रहे। ये प्रॉब्लम करीब 2 से 2.5 मिनट का प्रॉब्लम है, अगर आप ईमानदारी से इसको सॉल्व करें, मैं आपको 2 मिनट से 2.5 मिनट दे रहा हूं, पहले भी हो सकता है बट लेट अस टेक एन एवरेज टाइम ऑफ 2 to 2.5 मिनट्स। शाफ्ट में जिसको पकड़ के घुमाते हैं, ये जो पहिया जिसपे घूमता है ना, जिसपे घूमता है एक्सल, जिसको बोलते हैं एक्सल, उसको बोलते हैं शाफ्ट, समझ में क्या? शाफ्ट जिसपे पहिया जो इसको पकड़ के पहिया घूमेगा, ठीक है समझ के क्या? तो कह रहा है शाफ्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल कर दीजिए, मतलब आप ये मानिए कि बस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी सारी चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस पे व्हील बंधा हुआ है उसका जीरो है। शाफ्ट बोलते हैं वो रॉड जिस पे व्हील घूमता है। ओके एरी, समझ में आया? अब देखिए इसमें कह रहा है कि अनदर व्हील को धीरे से सडनली कपल कर दिया, तो आप ऐसे केस में मानेंगे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, जैसे कोलिजन होता है तो आप मानते हैं एक्सटर्नल फोर्स जीरो,
तो जब भी कोई ऐसा केस हो जिसमें एक डिस्क को दूसरे के ऊपर रख दे अचानक से, दैट विल बी अ केस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. टोटल एंगुलर मोमेंटम बिफोर विल बी इक्वल टू आफ्टर. ओके ओके, देखिए काव एक बात ध्यान से देखिए, फ्रैक्शनल लॉस पूछ रहा है, कितना लॉस होगा, लॉस की बात कर रहा है. ध्यान से निकालिए, वरना सब कुछ निकालने के बाद, फ्रैक्शन का मतलब होता है लॉस अपॉन इनिशियल वैल्यू. जैसे मैं बोलूं मेरे पास 100 रुपए थे, अब 80 हुए, तो कितना फ्रैक्शन लॉस हुआ, तो लॉस हुआ 20 का, लेकिन फ्रैक्शनल लॉस पूछूंगा तो 20 अपॉन 100 कर दूंगा इनिशियल वैल्यू से. ओके, आई होप मैंने इनफ टाइम दे दिया, 3 मिनट्स तक मैंने प्रॉब्लम टाइम दे दिया, 30 सेकेंड्स और दे देता हूं मैं, सॉल्व करिए इसको. जो लोग देखे प्रॉब्लम को नहीं कर पा रहे हैं, कि एक तो पहले थोड़ा सा उनको ये सोचना चाहिए कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि मेरे ही क्लास के, मेरे साथ के लोग, मेरे अपने क्लासमेट्स आंसर दे पा रहे हैं. और दूसरी चीज, वो इसको जाके रिवाइज करें, वीडियो देखें, या फिर खुद से प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करें. इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता आपको कि आपके एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस को डायरेक्ट यहाँ पे करवा दिया जा रहा है विद सम प्रीवियस नॉलेज आपको पढ़ाने के बाद. तो आई होप मैंने सफिशिएंट टाइम दे रखा है. मैं आ रहा हूँ सोल्यूशन की तरफ. तो नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो. नेट टॉर्क जीरो होगा तो टोटल मोमेंटम मीन इनिशियल मोमेंटम आ गया फाइनल मोमेंटम के बराबर. तो इनिशियली देखिए एक डिस्क रोटेट कर रही है शाफ्ट के अबाउट, तो इसका हो गया मान लेते आई वन ओमेगा वन, ओमेगा वन मान लिया, ठीक है ओमेगा मान लेते. अब कह रहा है कि जब उस पर दूसरा डिस्क भी डाल दिया गया, इट मीन इसके ऊपर दोनों डिस्क एक ही साथ रोटेट करे, तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो आई वन प्लस आई टू हो जाएगा, और एंगल ऑफ वेलोसिटी को ओमेगा टू मान लेता हूँ, ओमेगा टू मान लेता हूँ. ये आ गया आपके पास आंसर. तो इनिशियली एंगल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्री आई है. तो पहले हो गया मेरे पास आई वन ओमेगा वन, और दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया, तो एक्सिस अगर सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली जुड़ जाएगा. तो कपल करने के बाद जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई प्लस थ्री आई फोर आई हो जाएगा इनटू ओमेगा टू. आई से आई कैंसिल हो गया, हमें मिल गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ओमेगा वन बाई फोर. तो इनिशियली आई कितना है, आई है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बाद में आई फोर आई है और एंगल ऑफ वेलोसिटी है कितना मेरे पास ओमेगा बाई फोर. अब मैं यहां से पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं, इनिशियल के वन, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक दोनों एक साथ घूम रहे हैं, तो व्हाट इज द काइनेटिक, आई क्या हो गया, आई की जगह फोर आई, ओमेगा कितना हो गया ओमेगा बाई फोर, तो ओमेगा बाई फोर का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ओवर 16, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बाई फोर ओमेगा स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा. वाई, बिकॉज अब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 5 4 हो गई. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, आई ओमेगा स्क्वायर, आई की जगह 4 आई, तो मुझे यहां से मिल गया 4 1 जा 4 2 जा, आई एम गेटिंग आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8. ये फाइनल आ गया. अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कितना लॉस होगा, लॉस क्या होगा, दोनों को माइनस कर दो, तो आई ओमेगा स्क्वायर 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 8, so that is going to 8 common लेंगे तो 4 minus 3 by 8 आ रहा है क्या, am I getting 3 by 8, loss की value बता रहा हूँ, 4 कैसे हो, अच्छा sorry sorry, हाँ सी ठीक थी, तो it will be 3, कहाँ पे 4 होगा, 4 जैसे, अच्छा sorry 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 sorry, यहाँ पे 4, ठीक है, लेकिन मैंने उसको multiply करके सही लिखा है, 2 4 जा 8 ही तो लिखा है, तो नीचे LCM ले लिया 8 का, और 2 4 जा 4 minus 3 by 8 I omega square. ये आ गया मेरे पास लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी. अगर लॉस की बात करेगा तो मेरे पास ये आ गया, लेकिन आपसे फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन या परसेंटेज होता है टोटल लॉस अपॉन इनिशियल वैल्यू, लॉस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू जो शुरुआत में था. तो लॉस मेरे पास है डेल्टा के, और इनिशियल कितना के वन, तो ये आ गया 3/8 आई ओमेगा स्क्वायर, और इनिशियली वैल्यू है आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2, तो आई ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, 8 से 2 कैंसिल, आई एम गेटिंग 3/4. याद रखिएगा
अगर परसेंटेज में पूछता है तो 75% का लॉस हो गया, तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कैसे किया, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंजर्व, सॉरी मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके आई ओमेगा निकाला, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाला, इनिशियल और बिफोर का डिफरेंस किया और फिर फ्रैक्शनल एनर्जी निकाली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, फ्रैक्शनल लॉस की बात कर रहा था, सिर्फ अगर देखे सिर्फ लॉस कहता तो आपका ये आ जाता, सिर्फ लॉस बोलता, फ्रैक्शन बोला है तो आपने इनिशियल वैल्यू से उसको कैलकुलेट कर लिया। ओके, मे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। अब देखे बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक बार और क्वेश्चन पूछा गया, ये सेम प्रॉब्लम है। देखो ये आई थिंक 21 का प्रॉब्लम था और जो भी था, और ये देखो 2020 में प्रॉब्लम पूछा है, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, कुछ अलग थोड़ा सा कैलकुलेशन है। इसमें मैं आपको टाइम दे रहा हूं 2-2.5 मिनट का, और इसको सही सही सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। अच्छा मैं आप लोगों को सॉरी फॉर, चलिए प्रॉब्लम कर लेते हैं, पूछता हूं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए आपको, mr²/2। दूसरा डिस्क है, रेडियस r/2 है, मास सेम है, कोएक्सियली मतलब एक्सिस सेम है, उस पर रख दिया गया। यहां भी एनर्जी को परसेंटेज में पूछ रहा है, यानी वही काम करना है जो फ्रैक्शनल लॉस निकाला था, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। काफी फिर से चेक करिए गलत आ रहा है। देखिए कहां कैलकुलेशन मिस्टेक किया आपने। ओके, वेरी गुड कोमल, सही आंसर आपका, ग्रेट, वेरी गुड। एरी गलत आ रहा है आपका, आप करीब है, वेरी गुड, अक्षिका का सही आंसर है। ओके आई एम गिविंग यू 30 more seconds, 51 हो रहा है, 52 पे आपके पास आएंगे। काफी उल्टा कर दिया भाई तुमने, ट्वेंटी परसेंट होगा इसका आंसर। अच्छा चलिए मैं
ओके, तो मुझे लगभग 4-5 लोगों ने आंसर दिया, जबकि ये एग्जैक्टली सेम प्रोसेस पे बेस्ड है, तो हैरानी हो रही है कि और लोगों का आंसर आना चाहिए, अदर शुड मोर आंसर शुड कम हियर। यहाँ नहीं हो पा रहा है तो कम से कम घर पे जाने के बाद, चलिए काफी टाइम दे दिया। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मैं ये बहुत दिनों बाद करीब आप मेरे साथ, लगभग 3 महीने का मेरा आपके साथ सफर हो गया, 3 अप्रोक्सीमेटली 3 महीने। अच्छा ये बताइए कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह से जो क्वेश्चंस को स्लाइड पे प्रेजेंट कर दे के उसके बाद आपको ये, इस तरह का कोई भी टीचर हो, मैं ही नहीं, अच्छा ठीक है मैं करता हूँ 25%, कोई भी टीचर हो इस तरह से क्वेश्चंस प्रोजेक्ट करके और फिर उसको सॉल्व करना, आपको ये पहले बताइए, मतलब इट्स जस्ट अ फीडबैक कि ये चीज कैसी लगती है, कितनी बेनिफिशियल लगती है, कितना आप इसको इंगेजिंग पाते हैं, इंटरेस्टिंग पाते हैं, कितना फ्रूटफुल होता है, और टाइम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको क्या लगता है? टाइम सेविंग। आप क्या चीज फिर एक एक करके? टाइम सेव होता है। टाइम सेव होता है, और मतलब और इसका मतलब कैसा, हाउ इंगेज यू आर, मतलब ऐसा तो नहीं कि क्योंकि क्वेश्चन आ गया है तो बहुत रिलेक्टेंट हो गए हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब हाउ यू फील दिस टाइप ऑफ क्लासेस इन विच द क्वेश्चन इज प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन एंड देन यू आर टोल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ मैं सभी, अब तो इसमें तो यार ये तो जनरल क्वेश्चन, इसमें कौन सा, मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ। कांट फोकस मोर देन रियल क्लासेस, अच्छा मतलब आप कांट फोकस, मतलब रियल क्लासेस से ज्यादा फोकस नहीं कर पाते इन फ्रंट ऑफ टीचर, मतलब मैं आपकी बात समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तो टीचर आपको देख नहीं रहा, आप तो अपने घर पे बैठे हुए हैं, बस एक क्वेश्चन स्क्रीन पे, मैं तो चुप भी हो जाता हूँ 1-1.5 मिनट के लिए। यस, कोई और अपना ओपिनियन देना चाहेगा इसमें क्या है? बट अगर सर क्वेश्चन देखे तो डायग्राम डायग्राम बन जाती है तो इजी हो जाता है। हाँ, और आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वो प्रॉब्लम मिल जाता है जो एग्जाम में पूछा गया है, तो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका एक अच्छा लगता है, मैं अक्सर ये कराता हूँ, मेरी ऑफलाइन क्लास होती है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ स्क्रीन लगा है तो मैं पीपीटी बना के ले जाता हूँ, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, आप में कभी कभी ये चीज सी, कभी कभी क्या होता है, हम अगर टीचर ने आपको डायग्राम बना के दे दिया तो बड़ा आसान होता है, लेकिन लैंग्वेज से इंफॉर्मेशन निकालना फिर सॉल्व करना ये असल काम है। तो चलिए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाता हूँ, और लोगों को नहीं ओपिनियन देता था। तो पहले बोला है कि सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम ए रेडियस आर, तो पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों को एक साथ कपल कर देंगे x एक्सिस के अबाउट, तो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इनटू ओमेगा 2 हो जाएगा। तो I1 क्या हो गया, MR² / 2, डिस्क का MR² / 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 1, और इसका क्या हो गया MR² / 2, और दूसरे वाले का मास तो है मैं और रेडियस कितना R/2, तो R/2 का स्क्वायर करेंगे तो R² / 4 बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2। इसको सॉल्व करूंगा मैं तो मुझे मिल रहा है MR² / 2 ओमेगा 1, और ये एलसीएम ले लिया मैंने 4 3/4 MR² ओमेगा 2, तो MR² से MR² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया मेरे पास 2/3 ओमेगा 1। इट मीन जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ रही है दोनों को कंबाइन करने के बाद वो 2/3 ओमेगा 1 आ रहा है। इट मीन द एंगुलर वेलोसिटी विल बिकम 2/3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब एनर्जी निकाल लेता हूं मैं, लेट मी फाइंड द एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 1 क्या होगा, 4 1/2 I ओमेगा² आई की वैल्यू कितनी है, MR² / 2 ओमेगा 2, मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ MR² / 4 ओमेगा 2, और जब क्लब कर लिया बात की काइनेटिक कितनी होगी, 1/2 I1 + I2, I1 + I2 कितना है मेरे पास दोनों को जोड़ने के बाद, हाउ मच इज दैट, कहाँ गया यार कहाँ गया, व्हाट इज द MR² / 2 MR² / 4 3/4 MR² सर पीछे MR² / 8 तो नहीं आएगा, MR² / 8 कैसे, अच्छा हाँ सॉरी यार हाफ तो छोड़ दिया मैंने, थैंक यू यहाँ पे हाफ हो गया यार, एक ही स्टूडेंट बोल रहा है, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, बाकी लोग बोले ठीक है, यहाँ पे तो एक 2 भी तो होगा, हाफ MR² थैंक यू तो ये MR² / 8 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाफ MR² होता है ना, तो इट विल बी
8 हो जाएगा, तो इट विल बी 8 का अगर एलसीएम ले लें तो इट विल बी 4 प्लस 1 5 बाई 8 एम आर स्क्वायर ओमेगा 2, तो एम आर स्क्वायर ये का 4, तो आई एम गोइंग टू गेट 4 बाई 5 ओमेगा। तो फाइनल एंगल ऑफ वेलोसिटी जो बन रही है टॉर्क जीरो करने के बाद, एक्सटर्नल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के बाद, 4 बाई 5 ओमेगा 1। अब जरा इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो ये जो मेरे पास मैंने इसको लिखा 3 बाई 4 एम आर स्क्वायर, दैट इज बेसिकली हाउ मच, 4 बाई 5 के बजाय ये है 5 बाई 8 एम आर स्क्वायर, हाफ आई, आई की जगह 5 बाई 8 एम आर स्क्वायर आई टू ओमेगा टी स्क्वायर, हाफ 5 बाई 8 एम आर स्क्वायर ओमेगा टू, कितना निकाला हमने ओमेगा टू निकाला 4 बाई 5 ओमेगा 1, तो स्क्वायर करेंगे तो 16/25 ओमेगा स्क्वायर। कैंसिल करते हैं, जरा देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 5 टू टाइम्स, 8 वन टाइम्स, 8 टू टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई एम गेटिंग हाउ मच एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है 5 टाइम्स आर दूसरा 16 है, ये आ गया। अब जरा लॉस निकाले, लॉस क्या होगा डेल्टा के, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो आई विल गेट एम आर स्क्वायर बाई 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 5। एलसीएम ले लेते हैं 20, तो ये मुझे मिलेगा इधर 5 माइनस 4 1, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 20, ये आ गया मेरा लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया मेरा लॉस एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर by 20, that is coming out to be the loss in the kinetic energy, percentage पूछ रहा है, तो percentage क्या होगा, loss upon original value k1, original value मतलब initial value जो थी, तो loss मेरे पास आया है m r square omega square by 20, और original value थी initially थी m r square omega square upon 4, m r square omega square cancel, 4 1 जा 4 5 times, I am getting 1/5 यानी 0.2 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दे, आई विल गेट, तो 20% उसका लॉस हुआ है, तो बचा कितना 80%, 80% एनर्जी बची है, लॉस कितना हो गया 20%, तो क्वेश्चन देखिए रिमेनिंग पूछता है तो 80% लगाते, लॉस पूछा तो 20% लगाएंगे, ओके ठीक है बेटा, सही है, समझ में आया क्या सारी बात, यस सर, ठीक है। तो देखिए इस तरह का प्रॉब्लम 2-3 बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर ले, बहुत आसान है, ओमेगा निकालो, आई वन ओमेगा वन निकालो, लॉस निकालो, परसेंटेज पूछ रहा है तो डिवाइड कर दो ओरिजिनल से, नहीं पूछा है तो डायरेक्ट वैल्यू बता दो, ठीक है। तो द फाइनल एनर्जी विल बी 80% ऑफ द इनिशियल एनर्जी, 80% बचेगा और लॉस कितना होगा 20%। तो अगर आप इजाजत दें, अलाउ करें, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, यस सर, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कहां गया ये रहा, इसको हमने ये तो कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, हाँ इसको देखते चले, ये है आपका 2019 का प्रॉब्लम, चलिए सॉल्व करिए इसको। आपसे कह रहा है एंगुलर स्पीड बताइए, मैं आपसे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप एंगुलर स्पीड के साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी बताइएगा, चलो एंगुलर स्पीड ही बता दो पहले। अच्छा क्वेश्चन प्रॉपरली विजिबल है कि आपको मैं थोड़ा जूम करूं, विजिबल है, ठीक है विजिबल है,
अब इसमें आप जो है प्योर रोलिंग मानेंगे कि जब जो रोलिंग हो रही है उसकी ये जो पुली है या व्हील जो भी नाम दिया, डिस्क बोल दिया गया, प्रॉब्लम डिस्क बोल दिया, इसको आप प्योर रोलिंग कंडीशन अज्यूम करेंगे कि जो रोप है उसको स्लाइड नहीं कर रहा, प्योरली रोल करके बाहर आ रहा है। जब एच डिस्टेंस नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील। देखिए इसमें वो वही कंडीशन लगाना है, जब ये नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी और काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी आप कंसीडर करेंगे तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करेंगे, बॉल की और डिस्क की भी। बॉल लीनियरली मोशन कर रहा होगा और डिस्क रोटेट कर रहा होगा, तो डिस्क के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और बॉल के लिए हाफ एमवी स्क्वायर। मैंने हिंट दिया है, 2 मिनट बाद मैंने हिंट दिया है, बाकी जो करने वाले वो तो कर ही चुके होंगे। So that gain in the kinetic energy is equal to the loss in the potential energy, or potential energy does not depend on the path, height पे depend करता है, तो mgh आ जाएगा potential energy का loss। चलिए ए आई एम गेटिंग वन आंसर फ्रॉम एरी। ओके मानसी का भी आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। फिर से बता दें कि नीचे आएगा तो हाफ एमवी स्क्वायर का बॉल काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिस्क एनर्जी गेन करेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू द गेन इन द सॉरी लॉस इन द पोटेंशियल। बस एक सिंपल लाइन का एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे और आपके पास आंसर रखा रहेगा। और क्योंकि प्योर रोलिंग है तो आप याद रखिएगा, मैं V is equal to omega R यहाँ पे भी कर सकते हैं। सेकंड क्या पूछ रहा था? सॉरी सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपने? सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला था एंगुलर एक्सेलरेशन ही बताइए, ये तो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी बताइए, क्योंकि किसी क्वेश्चन में एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ लेता है। तो ये रहा V और ये रहा ओमेगा। अगर आपने मान लिया कि प्योर रोलिंग हो रही है तो आई कैन अज्यूम दैट V इज इक्वल टू ओमेगा R, ये रिलेशन आपको याद, सॉरी रेडियस स्मॉल r देखा रखा है तो मैंने स्मॉल r मान लिया, स्मॉल r मान लिया, स्मॉल आर मान लिया, ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब देखिए ये रहा मेरे पास घूमने वाला और ये रहा बॉल। मान लेते जब ये एच हाइट नीचे आ गया तो इसने पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कर लिया mgh, और ये वेलोसिटी बन गई कितनी v, और ये बन गया कितना ओमेगा। तो अगर मुझे v पता चल जाए तो ओमेगा निकाल लूंगा, तो लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल्टा u पोटेंशियल एनर्जी का लॉस mgh के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी K1 मान ले, इसका काइनेटिक एनर्जी मान लेता हूं K2, तो काइनेटिक एनर्जी 1 क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और डिस्क का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना होता है डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई टू, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को मैं वी बाई आर लिख सकता हूं, तो हाफ आई, आई की जगह लिख दिया एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू, दोनों को ऐसा करता हूं वी ओमेगा को मैं वी बाई आर लिख सकता हूं, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आई एम गेटिंग एम वी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये मिल गया मुझे डिस्क का मोमेंट सॉरी काइनेटिक एनर्जी, और ये मिल गया मुझे बॉल की काइनेटिक एनर्जी जो नीचे आ रही है। आई होप सभी को समझ में आ रहा है क्या भाई?
बॉल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, डिस्क का काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोलिंग नहीं है, रोलिंग में तो दोनों को जोड़ते हैं, एक रोल कर रहा है सॉरी एक ट्रांसलेट कर रहा है और एक रोल कर रहा है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जोड़ दूं मैं, टोटल काइनेटिक तो डेल्टा के विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, गेन इन काइनेटिक विल बी इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई फोर को बराबर कर दिया मैंने, नीचे गिरा एम जी एच से, एम से एम कैंसिल किया तो मुझे मिल गया फोर एलसीएम लूंगा, तो टू प्लस वन थ्री बाई फोर वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, थ्री बाई फोर आएगा भी, हाँ ठीक है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास फोर जी एच अपॉन थ्री, तो वी की वैल्यू मिल गया मुझे अंडर रूट फोर जी एच, ये आ गया वी। अब ओमेगा क्या होता है, वी बाई आर, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। जिन लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन दिया है सही बोला, तो ओमेगा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं वी बाई आर, वी की वैल्यू हो गई तो वन अपॉन आर अंडर रूट फोर जी एच अपॉन थ्री, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी समझ में आ गया। अब इसी प्रॉब्लम में मैं पूछूं कि एंगुलर स्पीड बताइए के बजाय सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन, तो क्या करेंगे, अब आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा, टॉर्क इक्वेशन वगैरह लगनी पड़ेगी, वहां से आंसर आएगा। निकाल लिया क्या आपने, तो अगर मैं इसी प्रॉब्लम में बोलता कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, तो दोनों के एफबीडी लिखूंगा। देखो ये टेंशन ना, तो बॉल का अगर देखो, बॉल की एफबीडी देखो, तो नीचे एम जी, ऊपर टेंशन और नीचे आ रहा है ए से। इसकी एफबीडी देखो तो ये टेंशन था, टेंशन ने लगाया टॉर्क, टॉर्क से क्या प्रोड्यूस हुआ अल्फा, तो मुझे यहां से मिलेगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। और टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इंटू आर लिख सकता हूँ क्या, बोलो भाई, टेंशन इंटू रेडियस, सही लिख रहा हूँ क्या, टेंशन सॉरी टॉर्क सही लिखा क्या मैंने, टी आर, अरे बोल दो मेरे भाई, टी आर। आई की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, एम आर स्क्वायर बाई टू, अल्फा की वैल्यू क्या लिख दू, ए बाई टू, ए बाई आर, तो टी मुझे मिल गया एम आर स्क्वायर ए अपॉन टू, नीचे आ गया आर स्क्वायर, आर साथ, तो टेंशन की वैल्यू मुझे मिल गई एम ए बाई टू, टेंशन की वैल्यू मुझे मिल गई ए बाई टू। यहां पे रख दो क्या होगा, नीचे आ रहा है एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, टी की वैल्यू है एम जी बाई, टी की वैल्यू है एम ए बाई टू, एम जी एम ए बाई टू उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा थ्री एम ए बाई टू, एम से एम कैंसिल, तो ए की वैल्यू मिल गई मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद टू बाई थ्री जी। ये है मेरे पास लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन पूछ रहा है बॉडी का, तो कितना आ गया टू बाई थ्री जी, और अल्फा पूछेगा तो क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर होता है क्या, तो टू बाई थ्री जी बाई आर, ये आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, और लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द मास आएगा टू बाई थ्री जी। एक बार ये मैं कई बार करा चुका हूं, एक बार टॉर्क इक्वेशन, एक बार फोर्स इक्वेशन, और दूसरा क्या है ए इक्वल टू अल्फा, इन तीनों कंबाइन करके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आया क्या भाई, ये रहा मेरे पास फोर्स इक्वेशन, ये रहा मेरे पास टॉर्क इक्वेशन जहां पे टॉर्क लिख रहा हूं, और ए इक्वल टू अल्फा आर से अल्फा को मैंने ए बाई आर लिख दिया, वहां से मुझे आंसर मिल गया। ओके गॉट इट, यस सर, ठीक है। तो चलिए मैं अब अगली क्लास से मिलते हैं, तो टाइम इज ओवर और मुझे कुछ काम भी है, 7:12 इज ऑलरेडी देयर, तो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। तो अब देखिए मैं आपको अब आपसे एक मैं सजेशन और क्या बोलूं, एक फीडबैक टाइप की चीज है, वैसे आशु सर से मैंने डिस्कस कर लिया था कि अब क्या करना है, तो रोटेशन का मैंने पढ़ा के आपको क्वेश्चन लगभग करा, अच्छा मैं आपको स्क्रीन शॉट दे रहा हूँ, आप ना ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि कल जो है कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो चार प्रॉब्लम से करिएगा, आपको इसका आंसर मैं कल बता दूंगा या फिर कहीं भी इसका आंसर आप ले सकते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, डन सर, डन सर, ठीक है सर, बेट पीछे वाला करना है, डन। अच्छा ये देखो, ये वाला प्रॉब्लम तो कर भी सकते हैं हम लोग, ये तो हम बहुत अभी आसानी तुरंत कर देंगे, करके दिखाओ जरा, तो चार बॉडीज है, रिंग डिस्क सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सॉरी सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर, मास और रेडियस सेम दे रखा है, नीचे आ रहे हैं, तो कह रहा बॉडी विच विल रीच द फर्स्ट एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन,
ऐसा प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, याद करिए। जितना ज्यादा एक्सेलेरेशन उतनी ज्यादा वेलोसिटी, उतना कम क्या होगा टाइम। और एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आपको पता है रोलिंग के केस में क्या होगा, सबसे कम टाइम किसमें लगेगा, ए बी सी डी 1 2 3 4, द बॉडी विच विल रीच फर्स्ट एट द बॉटम, सबसे पहले कौन पहुंचेगा। अच्छा, रोटेशन चैप्टर का कितना आपने देखते हैं, कितना भौकाली बना रहता है, ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। कुछ कम अब आपको रोटेशन में कुछ राहत महसूस हो रही है क्या? मतलब आज हमने करीब 12 क्वेश्चन सॉल्व किए रोटेशन के, 12-13 क्वेश्चन, और लगभग आपने माशाल्लाह आप लोगों ने भी खुद सॉल्व किया है 8-9 क्वेश्चन, तो आपने खुद ही सॉल्व कर दिया। नाउ आर यू फीलिंग सम कंफर्ट, की इतनी डरने की चीज नहीं है, कुछ कंफर्टेबल फील हो रहा है क्या रोटेशन में, बता दो भाई ईमानदारी से, कि कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट उस पे ध्यान देंगे तो आपका मामला सही रहेगा। तो देखिए, पहले जब ये रोल करता है तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। देखिए, हमने बताया था जितना कम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा उतना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन, उतनी ज्यादा होगी स्पीड, उतना कम होगा टाइम, जितना फास्ट चलेगा। तो सबसे कम के स्क्वायर अपॉन, रिंग का कितना होता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1, डिस्क का कितना होता है 1/2, सॉलिड सिलेंडर का कितना हो गया 2/5, मतलब कितना हो गया 0.4, और सॉलिड स्फीयर का कितना, सॉरी सॉलिड सिलेंडर का तो 1/2 होता है ना, सॉलिड सिलेंडर का कितना हो गया 1/2 और सॉलिड स्फीयर का हो गया 2/5, तो 0.4 0.5 0.5। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसके पास रहेगी, सॉलिड स्फीयर के पास। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, 4 का सॉलिड स्फीयर आएगा ना। सबसे कम टाइम की बात कर रहा है, सॉलिड स्फीयर इज द आंसर। ठीक है, यस। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, मैं एक आध और क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट आपको दिलवा दे रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर आंसर आएगा। टेक वन मोर A12, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करिएगा, 2020 का प्रॉब्लम है। इसका भी ले लीजिए, डन सर। चलो, अब क्वेश्चन खत्म हो गए, तो कल मिलते हैं, मैं आपको अब टाइम होगा कल ही बताऊंगा कि आगे क्या करना। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ, ओके गुड इवनिंग ऑल ऑफ, मिलते हैं कल क्लास में, ओके गुड इवनिंग, ओके एवरीवन, गुड नाइट, गुड इवनिंग।